ठीक है ना? कि अभी तक अगर कोई डाउट रहेगा आपको देन यू कैन आस्क मी दो मीन वाइल वॉट आई कैन ओवर हियर इज दैट ऑलरेडी बीन अपलोडेड टू दिस चैनल अगर आपको पीपीटी एंड मटेरियल एक्सेस चाहिए देन यू कैन जस्ट गेट इट फ्रॉम दिस टेलीग्राम चैनल दैट इज सी विद साइनल नागरे वो ऑलरेडी ही अपलोड हो चुका है वहाँ पे सो वी स्टार्ट इन अ मिनट ठीक है एक मिनट में चालू करते हैं सो लेट ऑल द पीपल ऑल्सो ज्वाइन इन बाय दैट टाइम अगर कोई डाउट रहेगा देन लेट मी नो गुड इवनिंग टू यू ऑल ठीक है अगर कोई भी डाउट रहेगा देन लेट मी नो टिल दैट टाइम ओके गाइज हो जाएगी एक दो चार मिनट में अपडेट हो जाएगी पीपीटी चैनल पे पी अपडेट हो जाएगी ऑन दिस चैनल यू विल गेट इट ठीक है एक दो चार मिनट लगेंगे और हो रही है अपडेट हो रही है पीपीटी ओके यस एनी अदर डाउट गाइस और कोई डाउट रहेगा लेट मी नो प्रीवियस लेक्चर से कोई डाउट रहेगा दैट यू फॉरवर्ड यार ये धर्मशास्त्रा क्यों डिस्कस करना वी आर नॉट गोइंग टू डू ऑप्शनल ओवर हियर राइट सिंपल है तो धर्मशास्त्र के बारे में क्या करोगे पढ़ के छोड़ दो उसको नॉट इम्पोर्टेंट फ्रॉम द प्रलियस पर्सपेक्टिव कोई सवाल नहीं आने वाला उसके ऊपर जस्ट स्किप इट ओके या अपार्ट फ्रॉम दैट एनीथिंग एल्स ओके सो और कुछ गुड इवनिंग यार गुड इवनिंग टू यू ऑल कोई डाउट रहेगा तो आई एम वेटिंग अगर कोई भी डाउट रहेगा फ्रॉम द प्रीवियस टॉपिक इन दैट यू कैन लेट मी नो ओके तब तक लेट अदर पीपल आल्सो ज्वाइन इन यस ओके सो आई डोंट थिंक सो अभी कोई डाउट है नो डाउट्स आर कमिंग सो वी विल स्टार्ट विद द लेक्चर ठीक है छोटा टॉपिक है एज ऑफ सातवाणा इज देर, ठीक है कॉइन का साइज ऑफ हरप्पा इंपॉर्टेंट है क्या हरप्पा में कौन से कॉइन मिले भाई पहले वो बताओ आप मुझे ये कहां से लेके आए हरप्पा का कॉइन किसने पढ़ा आपको हां सिंपल

अप्रोच विल भी सिमिलर पहले पॉलिटी देखेंगे दर आफ्टर सोसाइटी इकोनॉमी एंड आर्ट एंड कल्चर ये वाले जो एस्पेक्ट है वो देखेंगे ना एस फर एस सातवाहानाज आर कंसर्न थोड़ा बहुत जो फैक्चुअल डाटा वही आपको याद रखना है मीनस के लिए नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक बट प्रस में थोड़े बहुत यहाँ आके क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं सो लेट्स गो वन बाय वन न जो सबसे पहला या फिर अर्लीस्ट रेफरेंस जो है सातवानाज का वो हम लोगों को मिलता है अशोकन इंस्क्रिप्शन में अशोकन इंस्क्रिप्शन में हम लोगों को एक टर्म मिली है दैट इज आंध्राज जाता है तो सेकेंड सेंचुरी बीसीड दउटस्कर्ट ऑफ दायर अशोका ने आंध्राज बोल के इनको छोड़ दिया था कि दिस आर द फ्रेंडली नेबरिंग ट्राइब अब एग्जैक्टली इनका जो पीरियड है वो हम लोगों को नहीं पता बट जो सात का जो अर्लियर पीरियड जो हम लोगों को मिला है दैट इज लोकेशन जो हम लोगों को मिला है वो हम लोगों को मिला है महाराष्ट्र से तो हम लोगों ने अभी यही कंसिडर किया है कि समवेयर डाउन द लाइन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द अशोका ये लोग रहते होंगे कर्नाटका के ईस्टर्न एंड एंडर आफ्टर आंध्र प्रदेश के साउथर्न वाले एरिया में वहां से ये लोग महाराष्ट्र में ट्रांसफर किए होंगे एंड एंडर आफ्टर महाराष्ट्र एंड दी एंटायर आंध्र प्रदेश तेलंगाना वाला एरिया जो है वो इन्होंने कैप्चर कर लिया होगा तो फॉर द फैक्चुअल पर्पज बस इतना ही याद रखना है कि आंध्रा जो अशोका के इंस्क्रिप्शन में हमें वर्ड मिला है दैट हैज नाउ बीन एसोसिएटेड विद सात वाहन का जो अर्लीस्ट पॉसिबल लोकेशन जो हम लोगों को मिला है वो हम लोगों को मिला है महाराष्ट्र में तो दिस इज समथिंग टू बिगिन विद देर आफ्टर फिर किंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सात वाहनाज ना सात वाहनाज का जो किंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन है अगेन इसमें हम लोगों को एग्जैक्टली exactly ज्यादा जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं मिली है

तो जो दी लोकल तो उसने एक लोकल रूलर को हराया था उसका नाम भी हमारे पास है दैट इज नाहपना He was the जो बेसिकली महाक्षत्राप भी जो था लोकल लेवल के ऊपर आफ्टर दिस आर बेसिकली काउंटर स्ट्रक कॉइन ऑफ दी गौतम पुत्र सात करनी तो काउंटर स्ट्रक है अगेन फैक्चर डाटा इतना ही याद रखना तो बेसिकली इफ यू कैन सी ओवर हियर इमेज थोड़ा सा क्लियर नहीं है बट ये जो कॉइन है उसके एक साइड के ऊपर हम लोगों को नाम दिखता है नहापना का दूसरे साइड पे नाम दिखता है हम लोगों को गौतमी पुत्र सातकर्णी का तो इट क्लियरली शोज कि नहापना हार गया था एंड गौतमी पुत्र सातकर्णी जो है वो जीत गया था एज फार एज नहापना ही इज अ वेरी वेल नोन रूलर ऑफ शका डायनेस्टी तो शका डायनेस्टी का रूलर इंपॉर्टेंट है बिकॉज अर्लीस्ट लेवल पे कार्ले केज And thereafter, नाशिक के। दोनों महाराष्ट्र में है इनको अर्लिएस्ट लेवल का पेट्रोनाइजेशन नाह था अबाउटेड टू दर्सन दर आफ्टर ही इज फॉलोड बाई वशिष्ट पुत्र पुलमयी नशिष्ट पुत्र पुलमयी जो है कैपिटल एट पैठन ये जो पैठन है इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी देखा था यूजली तो इसका जो नाम है वो हम लोगों को उत्तर पथ एज एज दक्षिण पथ में मिलता है तो हम लोगों ने महाजनपदा के टाइम पे एक साउथ किंगडम देखा था दैट इज तो Asaka की जो कैपिटल है पौढ़ायनपुरा या फिर पुनर्वर्धना चुका है तो दिस इज वन ऑफ द सेम सिटीज जो महाजनपदा पीरियड में भी थी एंड आफ्टर अभी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दि सातवाहना भी हम लोगों को मिली है बट अपार्ट फ्रॉम दैट दिस रूलर जो है वो एक और चीज के लिए फेमस है कि ऐसा माना जाता है कि ही वॉज द पर्सन रूलर तो इट अगेन एट्रीब्यूट द सेम फैक्ट की इनके पहले का जो रूलर था दौतम पुत्र सातकर्णी उसने जब शका रूलर को हराया होगा तो शका रूलर को हराने के बाद देयर मस्ट है सर्टन सॉर्ट ऑफ द

तो दिस पर्टिकुलर डिफीट विक्ट्री डिफीट विक्ट्री का जो सिलसिला है उसमें हम लोगों को एक चीज अब पता चल रही है फर फर्स्ट टाइम इन द इंडियन हिस्ट्री जो डिफीटेड रूलर है उसकी टेरिटरी की जा रही है ओके? तो इससे हम लोगों को अर्लियस्ट लेवल ऑफ द फ्यूडालिज्म या फिर फ्यूडल टेंडेंसी जो है वो इंडिया में इस पर्टिकुलर पीरियड में ट्रेस होती है फ्यूडालिज्म के बारे में बात करेंगे इन डिटेल वन सी गोइंग टू द तो अभी के लिए इतना ही याद रखना कि भाई अभी एक राजा जीत रहा है दूसरा हार रहा है तो, दूसरे राजा को एक तो मर जाना है या फिर उसकी टेरिटरी पहले वाले राजा ने अनेक्स करनी है बट ऐसा कुछ अभी नहीं हो रहा है ओके वंस अ पर्टिकुलर किंग इज डिफीटेड मैट्रीमोनियल अलायंस फॉज की जाती है एंड आफ्टर द डिफीटेड किंग इज अलाउड टू रूल कंटिन्यूसली और अलाउड टू रूल कंटिन्यूसली एज अबसर रूलर अपार्ट फ्रॉम दैट करनी जो है उसके के ऊपर हम लोगों को शिप के एविडेंसेस अगेन मिले हैं तो कि आ, फिर जो है इंडिया की, ही चली आ रही है पोस्ट गुप्ता वाला पीरियड बट अभी के लिए यू कैन क्लियरली सी ओवर हियर द कॉइन्स जो है उसके ऊपर शिप का जो इमेज है वो हम लोगों को मिला है एंड ऐसे वाले जो कॉइन है वो वशिष्ठ पुत्र के पास भी हम लोगों को मिले हैं तो दिस कॉइन जिसके ऊपर ये जो शिप वाला डिजाइन है उससे हम लोगों को क्लियरली पता चलता है रिलेटेड टू द एंशियन शिप बिल्डिंग टेक्नोलॉजी यूपीएससी ने इसके ऊपर एक बार क्वेश्चन भी पूछ लिया था कि इंडियंस आर अवेयर ऑफ द शिप बिल्डिंग टेक्नोलॉजी इन सेकेंड सेंचुरी एडी तो सेकंड सेंचुरी एडी में शिप बिल्डिंग टेक्नोलॉजी इंडियंस को पता थी क्या देन एबसोल्यूटली पता थी बिकॉज नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकंड सेंचुरी एडी एंड उसमें हम लोगों को कॉइन्स के ऊपर बड़े बड़े शिप के जो एविडेंसेस है वो भी मिल रहे हैं तो दिस इज एन क्वाइट गुड एविडेंस टू शो कि भाई ये वाला जो स्टेटमेंट है वो सही है तो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू द किंग तीन ही किंग इंपॉर्टेंट है उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डाटा है आई हैव गिवन इट टू यू आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन जो इनका है वो सेम चला ये सेम कैसे चला तो आचार्य चाणक्य वाला जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो Now, यहां पे आपको एक प्रोसेस समझनी पड़ेगी एंड दिस इज समथिंग दैट आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट अगेन एंड अगेन

पुराने जमाने में स्कूल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था नॉलेज जो था उसके ऊपर ब्राह्मणास की मोनोपोली थी आचार्य चाणक्य हिमसेल्फ अ ब्राह्मणा एंड वी हैव सीन की चाणक्य जो पैटर्न है वो तो पूरा ब्राह्मणिकल ऑर्डर वर्ण सिस्टम बेस्ड एडमिनिस्ट्रेटिव पैटर्न था तो सेम पैटर्न फिर बाद वाले ब्राह्मणास ने इन रिसाइड किया उसको याद रखा एंड वंस दे स्टार्टेड टू बिकम अ बिग बिग प्रीस्ट इन द किंग और द इन द कोर्ट ऑफ द किंग उन्होंने यही पैटर्न जो अपने किंग को देना चालू कर दिया hence, फिर ये वाला जो पैटर्न है है इंडिया में में आपको हर एक डायनेस्टी मिलेगा इसका रीजन वही है कि पैटर्न गिवन जो है वो हर एक ब्राह्मणा को पता था एंड वंस दिस ब्राह्मणा बिकेम बिग पर्सन इन द कोर्ट ऑफ द इंडिजिनियस रूलर तो फिर वही वाला जो पैटर्न है वो अपने राजा को बताएगा राइट right? एंड है वो हमेशा same ही रहा है तो अपहोल्डर ऑफ टर्म हम लोगों ने मोहरियन एडमिनिस्ट्रेशन में देखी भी है अपार्ट फ्रॉम दैट ओके अभी के लिए हम लोगों को एक और चीज मिली है कि जो बड़े बड़े किंग है दे स्टार्टेड टू एज्यूम द एट्रीब्यूट ऑफ द लेजेंडरी माइथोलॉजिकल लेजेंडरी माइथोलॉजिकल हीरोने लग गए तो किंग स्टार्टेड टू एज टाइटल अर्जुना भी सोसाइटी so में ब्राह्मणिकल ऑर्डर जो थे उसका इमरजेंस ऑफ सोसाइटी में बढ़ने लग गया है अभी तक तो हमने देखा था कि ब्राह्म्यल ऑर्डर जो है वो कोलैप्स हो रहा था बट नाउ वी हैव गोट दी एविडेंसिस की ब्राह्म्यल ऑर्डर जो है वो थोड़ा सा सोसाइटी में बढ़ने लग गया था देखा था विषया और अहरा दिस आर द वर्ड बेसिकली एंडर इनके जो मिनिस्टर है उनको भी आमात्यास एंड महाम्रास वर्ड थे जो अगेन मौरियंस टाइम से ही चले आ रहे हैं दिस पीपल ऑल्सो है सेनापति मौर्य के पास भी एक सेनापति था बट नाउ हियर यू कैन क्लियरली सीन प्रोविंशियल गवर्नर जो है वो सेनापति हुआ करता था तो अगेन यहाँ पे जो सत्रापी सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस्ड इंडिया बाई दी तो ये स्ट्रेटेगो एंड सिस्टम का सत्रशन जो है वो हम लोगों को अब यहाँ पे भी दिख रहा है जहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नर जो है वो तो कोई रॉयल ब्लड नहीं है तो कौन है सेनापति है दैट इज मिलिट्री कमांडर है मीन्स आउटसाइड इन्फ्लुएंस जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि भाई बाहर के लोगों का क्या क्या इन्फ्लुएंस इंडिया पे पड़ा तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंस वॉज दिस वन दर आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन इन रूरल द गौमिका तो गांव का हेड इज बेसिकली गौमिका पहले इसको ग्रामीणी ऐसे वाले वर्ड जो थे दिए जाते थे तो ग्रामीणी का बन गया गोमिका एंड दर आफ्टर दो इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स भी इनके हम लोगों को पता है कटक एंड दर आफ्टर स्कंद तो ये जो इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर जो थे वो भी हम लोगों को इनके पता है तो रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स जो है इंडिया में अब हम लोगों को मिलना चालू हो गए दिस इज समथिंग रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज द टैक्स फ्री विलेजेस जो है वो भी हम लोगों को मिली है नाउ टैक्स फ्री विलेजेस जो वो काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये वाला जो टर्म है आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा दिस इज वॉट कॉल्ड एज लैंड ग्रांट तो ये जो लैंड ग्रांट जो है वो वो इंडिया में चालू करने का पूरा का पूरा पूरा जो जो क्रेडिट है 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 को जाता है। तो ये जो है, उन्होंने इंडिया में लैंड ग्रांट चालू किया था बट लैंड ग्रांट के नाम पे लोग क्या करते थे तो सिर्फ एक पीस ऑफ लैंड है उसके ऊपर का जो रेवेन्यू राइट right है वो देते थे किसको देते थे तो ब्राह्मणास को एंड बुद्धिस्ट मॉन्ग को अब ब्राह्मणाज या फिर बुद्धिस्ट मोहन को यह लैंड ग्रांड देने की जरूरत क्या पड़ी जरूरत बहुत प्लेन एंड सिंपल थी अब सातवाहन रूलर जब रूलर बनेगा तो उसको एक लेजिटिमेसी लगेगी इन ऑर्डर टू रूल द एंटायर टेरेटरी वो लेजिटिमेसी देने का काम करते थे ब्राह्मणा बाय परफॉर्मिंग दी यज्ञ दैक्रीफाइजेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा इन रिटर्न सातवाहन रूलर उनको क्या देगा तो ऑब्वियसली दक्षिणा देगा तो दक्षिणा कैसे दोगे राइट right? तो दक्षिणा देने के दो मोड़ थे एक तो था आपका कॉइनेस सिस्टम या फिर आप पैसा दे दो या फिर दूसरा था लैंड अब लैंड इम्पोर्टेंट इसी के वजह वजह से से था बिकॉज दिस स्पेसिफिक टाइम हमने देखा था कि रोमन ने इंडिया के साथ ट्रेड बैन कर दिया है एंड ट्रेड बैन करने के बाद अभी नाउ वी कैन हैव क्लियर एविडेंसेस कि ट्रेड डिक्लाइन हो रहा है एंड लैंड का जो प्राइस है वो बढ़ रहा है तो बिकॉज ऑफ दिस एस्पेक्ट अल्टीमेटली वी कैन क्लियरली कंसिडर लैंड बिकेम इम्पोर्टेंट ब्राह्मण आज ने जैसे ही आपके लिए यज्ञास परफॉर्म करने चालू कर दिए

उसमें बड़े बड़े मिलिट्री कमांडर राज करते हुए दिखे हैं एंड जब राज करते थे तब गुप्ता रूलर उनको पूरा का पूरा प्रोविंस एज अ लैंड ग्रांट देते थे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी कैन क्लियरली सी जब गुप्ता के रूलर जब डिक्लाइन होने लग गए तो ये जो इनके प्रोविंशियल मिलिट्री कमांडर या फिर उनके जो बच्चे हैं वो दैट पर्टिकुलर टेरिटरी में स्ट्रांग होने लग गए एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ द फ्यूडल सिस्टम इन आवर कंट्री जहाँ पे फ्यूडल लॉर्ड जो है मतलब बेसिकली द मिडल मैन इन बिटवीन किंग एंड आफ्टर प्रजा तो ये जो मिडल मैन जो है वो एमर्ज होना चालू हो गया एंड अल्टीमेटली सामंतशाही और जो वो इंडिया में प्रॉपरली एस्टैब्लिश हो गया जिसके बारे में बात करेंगे अर्ली मीडियवल पीरियड में बट इट ऑल स्टार्टेड विद द विदवाहना रूलर्स इनिशियल फेस में इट वॉज गौतमी पुत्र सातकर्णी जिसने ये लैंड ग्रांट सिस्टम जो है वो इंडिया में चालू कर दी एंड गौतमी पुत्र सातकर्णी जो है ही हिमसेल्फ अ ब्राह्मीनिकल पर्सन

वो पहले से लीनियन जो था वो क्या होगा थोड़ा-थोड़ा असर्ट -थोड़ा करना चालू करेगा थोड़ा-थोड़ा रिजिड -थोड़ा बनना चालू करेगा अगेन ये सिस्टम तभी हो सकती है जब कोई रॉयल ऑर्डर इसके रिलेटेड आए तो रॉयल ऑर्डर आपको लगेगी फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द वर्ना सिस्टम इसका एग्जांपल मैंने आपको पहले भी दिया था सो फॉर एग्जांपल इंटर रिलीजियस मैरिजस है देयर आफ्टर इंटर वर्ण मैरिजस जो है फ्टर इंटर कास्ट मैरिजेस जो है वो तीनों के तीनों अलाउड है एज पर दूशन ऑफ इंडिया स्पेशल मैरिज एक्ट एज वेल एज हिंदू मैरिज एक्ट बट अब ये वाली जो चीज है वो सोसाइटी में एक्सेप्टेड है क्या आप घर पर जाइए और बोलिए मुझे इंटर कास्ट मैरिज करना है या फिर मुझे इंटर रिलीजन मैरिज करना है तो भले ही घर वाले मानेंगे बट थोड़ा सा रेजिस्टेंस तो आएगा ही आएगा एंड फॉर मेजोरिटी ऑफ द यू हु माइड बिलोंग टू दंजरवेटिव फैमिली ये तो स्ट्रिक्टो है अनाथ है माए आप ये कर ही नहीं सकते राइट right? तो ये वाली जो सिस्टम है That is, laws कुछ और बोल रहे हैं, और आप कर कुछ और रहे हो ये इसी के वजह से बिकॉजिशन भी था हमने देखा था कि वेदिक लिटरेचर में एंड पोस्ट वेदिक लिटरेचर में भी डिफरेंट टाइप ऑफ द मैरेजेस आर अलाउड तो भले मैरेज किसी भी तरीके से अल्टीमेटली हुआ तो उसको सोसाइटी में अलाउड कर लिया जाता था बट ओके okay, उसको सोसाइटी का जो एक्सेप्टेंस था वो था क्या नहीं था तो वही वाली चीज जो हम लोगों को यहाँ पे अल्टीमेटली देखने को मिली है कि वर्ण सिस्टम जो थी वो लॉ बुक ने बता के रखी थी कि रिजिड होनी चाहिए और ये जब लॉ बुक आपको बताएंगे कि जो है, वो होनी है, तो उसका मतलब क्या हुआ सोसाइटी में लॉ वर्ण है वो रिजिड होगा बट एक्चुअल में ऐसा था क्या तो डेफिनेटली नहीं था वी हैव फाउंड एविडेंस है जहाँ पे इंटर वर्न मैरिजेस भी हुआ है वी हैव फाउंड एविडेंस है पे लोगों ने अपने प्रोफेशन भी बदले बुद्धि गौतम बुद्धा वर्धमान महावीर चंद्रगुप्त मौर्य और डायनेस्टी हमने देख ली बट नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम वी कैन क्लियरली सी इस टाइम के दो लॉ बुक थे लॉ बुक उसमें इस टाइम पे कौन से थे तो बेसिकली मनुस्मृति नारद बाद में आता सॉरी तो मनुस्मृति एंड द राफ्टर धर्मशास्त्र तो ये जो दो लॉ बुक जो थे इस टाइम के दिस वेर क्वाइट इम्पॉर्टेंट बिकॉज इन लोगों ने बहुत सारी चीजें सोसाइटी में ऐसी प्रिस्क्राइब करके रखी थी जो सोसाइटी ने एक्सेप्ट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था बट इनको साथ मिली किसकी मिली तो रॉयल ऑर्डर की मिली तो जैसे फॉर एग्जाम्पल नारद स्मृति ने ये लिख के रखा है कि इंटरवर्ना मैरेजेस एंडर आफ्टर चेंज ऑफ वर्ना ये यूजली नहीं होना चाहिए इंटरवर्ना मैरेजेस एंड चेंज ऑफ द प्रोफेशन इज अ पशु धर्म दैट इज बेसिकली इट्स अनिमल रिलीजन एंड नॉट द सिविलाइज सोसाइटी का रिलीजन तो जैसे ही नारद स्मृति ने ये चीजें लिखना चालू कर दी तो सोसाइटी ने उसको फटाक से एक्सेप्ट किया ऐसा थोड़ी ना होता है जैसे कॉन्स्टिट्यूशन भले ही बोले कि भाई इंटर रिलीजियस किस आर अलाउड बट आपने किया क्या कि एक्सेप्ट नहीं किया राइट बट यहाँ पे भी वही हुआ कि भले ही बुक ने बोला उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया बट अब उनको रॉयल पैट्रोनी या फिर रॉयल ऑर्डर मिली एंड गौतमी पुत्र सात अगेन ही इज द फर्स्ट पर्सन जिसने सोसाइटी में फोर फोल्ड वर्नर सिस्टम जो थी उसको एनफोर्स करने के लिए लॉ रॉयल ऑर्डर निकले मतलब उसने अपने एम्पायर में वर्ण सिस्टम चेंज करना कायदे से गुना की कर दिया था और रॉयल ऑर्डर इश्यू करके फोरफोल्ड वर्ना सिस्टम थी वो रिजिड करने का काम किया था अब जैसे उसने ये चीज चालू की तो ऑब्वियसली इट बिकम अ मैंडेट फॉर ईच एंड एवरी नेक्स्ट जनरेशन रूलर टू फॉलो इट बिकॉज नया रूलर जब आएगा तो ऑब्वियसली उसको अगेन राजा बनाने के लिए दर इज अ कॉम्प्रोमाइज़ विथ द प्रीस तो प्रीस जो है उसको राजा बनाने के लिए उससे सैक्रीफाइजेस करवाने के लिए कुछ ना कुछ तो चीज़ इन रिटर्न मांग मांगेंगे ही और ये फिर जो सिस्टम जो एनफोर्स हुई उसको और एनफोर्स बनाने का काम जो है वो ब्राह्मणिकल लोगों ने या फिर ब्राह्मणिकल सिस्टम ने इंडिया में किया फिर इनके पीरियड ऑफ टाइम में हम लोगों को देर आर मोर नंबर ऑफ द फ्यूडेटरी मिले हैं फ्यूडेटरी फ्यूडर लॉर्ड तो तीन टाइप के फ्यूडेटरी को मिले हैं एक तो किंग जो सबसे बड़ा लैंड ओनर है दर आफ्टर ब्राह्मणा जिसको लैंड मिला है तो उसका नाम होगा महाभोजा एंड आफ्टर सेनापति मतलब जो बिग मिलिटरी कमांडर हो गए जिनको भी लैंड ग्रांट मिली है तो तीन टाइप ऑफ द लैंड होल्डर हम लोगों को मिले हैं और फ्यूडर लॉर्ड हम लोगों को मिला है जिसमें सबसे बड़ा है किंग एंड किंग ने जिन जिन लोगों को लैंड ग्रांट दिए थे दो लोगों को एक था सेनापति दूसरा था महाभोजा तो थ्री ग्रेड ऑफ द जस्ट ऊपर ऊपर से याद रखना प्रिलंस से है ओके मीन्स लिए मुझे नहीं लगता यहां से कोई सवाल आएगा रही बात फ्यूडिज्म की तो उसको तो मैं इन डिटेल एक्सप्लेन फ्यु� करूंगा वंस वी गो टू द अर्ली मीडियवल पीरियड नाउ अगेन इकोनॉमी न एज फॉर एज कंसर्न देन मी में एक एक करके देखेंगे सबसे पहले तो नॉर्थ एंड साउथ का जो फ्यूजन है वो हम लोगों को अब यहाँ पे दिखता है मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम एक नया स्टेट डेक्कन में आया सातवाहना के पहले डेक्कन में कोई स्टेट नहीं था तो एक नया स्टेट आया तो नॉर्थ ने जैसी इकोनॉमी अपनी बना के रखी थी अग्ररियन एंड ट्रेड बेस वैसे साउथ में भी सातवाहाना डायनेस्टी ने अपनी इकोनॉमी बना के रखी थी तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फ्यूजन वॉज देयर देयर आफ्टर फिर कॉइंस इनके जो कॉइन सिस्टम थी वो तो होती थी लीड की एंड लीड के अलावा हम लोगों को प्रोटीन देर आफ्टर कॉपर एंड देर आफ्टर ब्रॉन्स के एविडेंसेस भी मिले हैं नाउ दिस इज क्वाइट सिग्निफिकेंट फैक्टर बिकॉज लीड होगा एंड देर आफ्टर प्रोटीन होगा ये इंडिजीनियस मेटल नहीं है इंडिया में ज़्यादा नहीं मिलते है. तो ये वाले जो मेटल है ये लोग रोमन लोगों से लेके आते थे सो देर वॉज एन इलेबोरेट ट्रेड नेटवर्क With Roman from the बनाया करते थे क्रॉप्स तो क्रॉप्स में दो इम्पोर्टेंट है दैट इज राइस एंड कॉटन जो नॉर्थ को पता था वही नॉलेज अब जो साउथ में भी आने लग गया था कॉटन का जो अर्लिएस्ट एविडेंस हमने देखा था इंडिया में

इकोनॉमी के बाद फिर सोसाइटी कंसर्न देन सोसाइटी में पोजिशन ऑफ ईच एंड एवरी सेक्शन स्टिल गुड तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्राह्मणा तो ब्राह्मणा ब्राह्मणाजन का पोजिशन ऑब्वियसली सबसे बढ़िया था बिकॉज सातवाना किंग्स किंग्सैल क्लेम की वो खुद ब्राह्मनाज है एंड अगर वो खुद ब्राह्मण नाज है तो ऑब्वियसली पोजिशन अच्छा ही होगा तो फोरफोल्ड वर्ना सिस्टम जो उसको एनफोर्स करने का काम

रीपेट्रोनाइजेशन देना चालू कर लिया वही फिर अलग 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 डायनेस्टीज ने इंडिया में फॉलो किया एंड फिर जो बिगेस्ट पेट्रोनाइजेशन अल्टीमेटली जो वैदिक रिलीजन के लिए आया वो था फ्रॉम द गुप्ता पीरियड ऑनवर्ड इंडिजीनियस ट्राइबल पीपल जो थे ओके okay, दिस ट्राइबल पीपल इनको भी आर्यन फोल्ड में लाने का काम हुआ था सातवाना वर सातवा एज अ ट्राइब तो ये सारे जो ट्राइबल लोग हैं उनको आर्यन फोल्ड में लाने का काम किसी ना किसी ने तो किया था तो आर्यन रिलीजन मतलब सिर्फ हिंदू रिलीजन ही नहीं है जैसे हमने पहले भी देखा था कि देर आर अप्रॉक्सिमेटली टू रिलीजन आर्यन लोगों के हम लोगों को मिले हैं उसमें से एक वैदिक रिलीजन है बट अपार्ट फ्रॉम दैट बुद्धिज्म आफ्टर जैनिज्म एंड इवन यू कैन कंसिडर अजीविका और चारो का ये भी सारे के सारे आर्यन रिलीजन ही तो है तो बुद्धिस्ट लॉन्ग फॉर द अर्लीस्ट पीरियड ऑफ टाइम ये लोग पाटलिपुत्र और यू कैन कंसिडर प्राची दैट इज उत्तर प्रदेश एंड बिहारिये वाले एरिया से साउथ में गए थे और इन्होंने जो लोकल साउथ में जो ट्राइब थी उनको इन द साउथ इंडिया बाई द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम देर आफ्टर लैंड ग्रांस तो सात the आर okay, तो दस्ट रूलर टू तो मेक लैंड ग्रांट आपको बता दिया था एंड देर आफ्टर फिर मर्चेंट एंड आर्टिजान तो मर्चेंट एंड आर्टिजान जो है उनके भी इंक्रीज के इस पर्टिकुलर पीरियड टाइम में मिले हैं मतलब इनका जो सोशियल प्रेस्टीज था मैट्रीलियल एंड आफ्टर पैट्री आर्कल दोनों बेसिकली साइड बाई साइड थे तो वे पेट्री आर्कल अभी वाली जो सोसाइटी है वो पैट्री आर्कल भी है एंड आफ्टर फिर पैट्रीलियल भी है पैट्रीआरकल मतलब जब पापा चले जाते हैं तो पापा के सारे के सारे जो राइट है वो बेटे के पास चले जाते हैं राइट तो मैक्सिमम पॉसिबल पापा की प्रॉपर्टी है मैक्सिमम पॉसिबल पापा के जितने भी राइट्स हैं वो बेटे के पास चले जाते हैं दिस इज नॉट कॉल्ड एज अ पैट्रीआरकी और पैट्रीआरकल सोसाइटी एंड पैट्रीलिनियल पैटर्न मतलब बीट मेल या फिर फीमेल उनका जो नाम होता है वो अपने पापा से ही आता है मम्मी से नाम नहीं आता राइट तो so आपका मिडल नेम होगा या फिर आपका सर होगा दैट सजेस्ट द लीनियज फ्रॉम द फादर साइड तो इसको आप बोलोगे पैट्रीलिनियल बट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दातवाना सोसाइटी वॉज मैट्रीलिनियल मतलब जो नाम जो है वो माँ से डिराइव किए जाते थे तो हमने देखा था गौतमी पुत्र सातकर्णी तो गौतमी पुत्र मतलब माँ के नाम के ऊपर बेटे का नाम रखा है वैसे यज्ञ श्री सातकर्णी वशिष्ठ पुत्र पुलमई तो ये जो बेसिकली नाम है उसी में हम लोगों को दिखता है कि सोसाइटी में माँ के नाम के ऊपर बेटे का नाम रखने का जो पैटर्न है दैट इज मैट्रीलियल पैटर्न जो है वो चलता था एंड दैट्स द एंडिशन ऑफ द वुमन वॉज गुड इन द सोसाइटी एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोगों ने ये भी देखा है ओके okay? देखा नहीं है बेसिकली बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये भी हम लोगों को पता है कि जो क्वीन है उनके अच्छे खासे इंस्टेंसेस हम लोगों को मिले हैं सो फॉर एग्जाम्पल क्वीन नयनिका जो है उनको नागनिका भी बोलोगे शी इज कंसिडर्ड एज अ फर्स्ट वुमन रूलर ऑफ इंडिया तो फर्स्ट वुमन रूलर ऑफ इंडिया इसी के लिए बिकॉज उनके जो पति थे तो सात के बाद उनका जो बेटा था वॉज अटली फॉर फाइव टू सेवन ईयर एज अ रीजन क्वीन नयनिका या फिर नागनिका जो है रूलर ऑफ दर सातवाना इन दैट कैपेसिटी इनको फर्स्ट और अर्लिएुमन रूलर भी बोला जाता है

तो तो मैंने कुछ and मैंने कुछ भी परफॉर्म ब्राह्मणों के लिए दान दक्षिणा भी दी है तो दिस ना घाट जो है ना घाट इज इन महाराष्ट्र तो उससे हम लोगों को ये सारी इंफॉर्मेशन मिली है तो नैनिका और नागनिका इंस्क्रिप्शन इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम द प्रलिव इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना धा वाजपे इन सबके मीनिंग हम लोगों ने पहले वाले लेक्चर में ही डिस्कस करके रखे है तो दिस वैदिक सेक्रीफाइस वेर इम्पोर्टेंट बिकॉज वैदिक सेक्रीफाइस क्लियरली शोज दैट ब्राह्मिनिकल रिलीजन वॉज देयर इन दोसायटी एंड किंग आर पेट्रोनाइजिंग द्राह्मीनिकल रिलीजन फिर डिफरेंट डिफरेंट जो गॉड्स है ओके okay, वो भी हम लोगों को इस टाइम में दिखते हैं ओके एक्चुअल में तो गॉड का जो इमरजेंस है इंडिया में वो गुप्ता पीरियड में हुआ है बट अर्लीस्ट वर्जन ऑफ द नेम हम लोगों को सात पीरियड से ही मिलना चालू हुआ है जैसे कृष्ण एंड दर आफ्टर वासुदेवा तो कृष्ण वासुदेवा ये जो गॉड है इनके नाम हम लोगों को सातवाहना पीरियड से मिले हैं दर आफ्टर बुद्धिज्म जो है इनको भी इन्होंने अच्छा खासा पेट्रोनाइजेशन दिया है नो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑनवर्ड आपको एक चीज याद रखनी है ओके okay, ये वाला जो टाइम है, वाला. जो है वो ही इंडिया में, कर रहा है। तो 800 years, अब में क्या होता था संघ होता था संघ मतलब ऑर्डर ऑफ मॉन्क एंड नन अब ये मॉन्क एंड नन उसी जगह पे रहेंगे ना जहां पे इन लोगों को तो दान दक्षिणा देने वाला कोई तो बड़ा बंदा है तो ये कहां पे रहते थे कैपिटल सिटी तो में या फिर ट्रेडिंग सेंटर में ओके okay? विलेजेस में तो जाएंगे नहीं बिकॉज वहाँ पे लोगों को खुद का खा खाने का पड़ा नहीं होता है दान दक्षिणा क्या करेंगे एंड दैट्स अ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी हैव फाउंड दिस ट्रेसेस कि जो बड़े बड़े ट्रेडिंग सेंटर हैं उसके आजू बाजू में बुद्धिस्ट वहाराज आने लग गए और जैसे बुद्धिस्ट वहाराज यहाँ पे आने लग गए तो वहाँ के ट्रेडर राजा इनको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दान दक्षिणा देने लग गए एंड दे स्टार्टेड टू हैव दी एक्कीूमुलेटेड वेल अब इनके पास दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी एक तो इनका विहारा मतलब इनका रेसिडेंशियल प्लेस था एंड दूसरी चीज इनके पास क्या था एक्यूमेलेटेड वेल्थ थी तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ये इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट पे सिचुएटेड थे और ये तीनों की तीनों चीजें जब आपके पास रहेंगी तो यू बिकम इम्पॉर्टेंट फॉर द ट्रेड पर्स्पेक्टिव बिकॉज आप इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट के ऊपर सिचुएटेड हो आपके पास एक्यूमेलेटेड वेल्थ भी है एंड दर आफ्टर आपके पास एक रेसिडेंशियल फैसिलिटी भी है

लेके रफली सेंचुरी एडी तक ये जो 400 साल में लोगों में से भले ही हट गया बट राजा लोग है वो हमेशा बुद्धिज्म को पैट्रोनाइज़ करते थे बिकॉज ऑफ द स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस तो कौन सा स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस था तो स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस वही था कि इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट पर विहाराज बनाए थे एंड फिर विहारा बनाया वहां पर वेल्थ well था मैं मैप पे समझाऊंगा आपको थोड़े टाइम में तो दिस इज व्हाई दे आल्सो सपोर्टेड बुद्धिज्म एंड द सेम एस्पेक्ट वाज़ देयर तो जो बड़े बड़े ट्रेडर थे वो जैन थे तो अगर आपको ट्रेड चाहिए तो आपको कोई ना कोई तो फाइनेंसर लगेगा तो बड़े बड़े ट्रेडर अगर जैन लोग हैं तो आपको जैन रिलीजन भी पैट्रोनाइज करना पड़ेगा एंड दैट्स वोतमी पुत्र सातकर्णी ने भले ही पूरा का पूरा हिंदुइज्म एनफोर्स कर लिया फोर फोल्ड वर्नर सिस्टम एनफोर्स किया ब्राह्मिज्म को एनफोर्स किया बट स्टिल गौतमी पुत्र सातकर्णी ने एट द सेम टाइम बुद्धिज्म ब्राह्मिज्म दोनों को पेट्रोनाइजेशन भी दिया ये क्यों दिया बिकॉज ऑफ द फ्लरिशिंग ट्रीड ओके जो उस टाइम पे हो रही थी एंड देर आफ्टर बुद्धिस्ट साइड सच अमरावती एंड नागार्जुन कोंडा ये भी जो है डेवलप होना चालू हो गई थी एज फार एज आर्किटेक्चर इज कंसर्न ट आर्किटेक्चर इज देर बट रॉकट आर्किटेक्चर थोड़ा सा रीजनल लेवल का है तो यूपीएससी का भी सवाल पूछेगी जस्ट रिमेम्बर कान्हेरी केव है भाजा केव है अजंता एंड एल्लोरा ओके okay? इसको लिख लेना ये जो छे इम्पोर्टेंट केव है, ये महाराष्ट्र में है ओके okay? और ये छ इम्पोर्टेंट महाराष्ट्र की जो केवज है इन छे के छे में अर्लियर वर्जन में सात वाहना या फिर उनके लोकल फ्यूडेटरी जो है उन्होंने कुछ ना कुछ तो काम किया ही किया है तो सबसे पहले तो एज फार एज जो रॉक कट आर्किटेक्चर इज देयर देन हम लोगों को कारले का चैत्य मिला है जो पीरियड का है तो दिस इज बेसिकली द चैत्य हमने ये वर्ड देखे भी थे तो चैत्य आफ्टर विहारा एंड द आफ्टर स्तूपा तो स्तूपा तो इलेबोरेटली डिस्कस हो गया था इट इज नथिंग बट अ माउंट जो बुद्धिज्म से डायरेक्टली या फिर गौतम बुद्धा से डायरेक्टली रिलेटेड है ऑन दी अदर हैंड बुद्धिस्ट मॉन्ग जहा मॉन्ग का रेसिडेंस जहां पे होगा उसको आप बोलोगे विहारा और अब बुद्धिस्ट मॉन्ग अगर कोई पर्टिकुलर जगह पे रहेंगे तो उनको प्रेयर हॉल भी लगेगा तो वो प्रेयर हॉल इज बेसिकली चैत्य तो दिस इज बेसिकली चैत्य कारले का जो चैत्य है ये यह आपको यहाँ पे दिखेगा तो ये बेसिकली गुफा के अंदर का स्ट्रक्चर है एंड एट द एंड ऑफ द गुफा आपको एक अंड दिखेगा राइट अगर आपको यहाँ पे अंड दिख रहा है तो समझ लेना ये येना बुद्धिज्म है एंड अगर आपको यहाँ पे अगर गौतम बुद्धा का ईमेल देख लिया तो आपको कंसिडर करना ये महायाना बुद्धिज्म है तो ये एंड महायाना बुद्धिज्म का बेसिक डिफरेंस है आइडल वर्शिप या फिर अंडर वर्शिप अब ये भी हम लोगों ने पहले वाले लेक्चर में अच्छा खासा डिस्कस कर लिया है दे आफ्टर फिर रॉक कट आर्किटेक्चर हम लोगों को अमरावती एंड नागार्जुन कोंडा में भी मिला है तो दिस इज बेसिकली द स्तूपा ऑफ द अमरावती तो अमरावती का जो स्तूपा है दिस इज क्वाइट फेमस बिकॉज हम लोगों को अमरावती में एंड देर आफ्टर नागार्जुन कोंडा दोनों जगह पर हम लोगों को स्तूपास के एविडेंसेस मिले हैं एंड जो अमरावती या फिर सराउंडिंग स्कूल है दैट इज अमरावती एंड नागार्जुन कोंडा उनका एक मेन स्टाइलिस्टिक एस्पेक्ट ये है कि उनके जो स्ट्रक्चर जो है वो हमेशा मार्बल से बनते थे तो भले ही अभी के लिए यू कैन क्लियरली कंसिडर कि ये जो है ब्रिक का दिखेगा बट अब ये जो कुछ कुछ बचे हुए इसके जो ट है उसमें आपको मार्बल के एविडेंसेस दिखी जाएंगे तो आर्किटेक्चर में नागार्जुन कोंडा आफ्टर अमरावती एंड उसमें प्रिसाइजली अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट जो है अब फ्लरिश होना चालू हो गया था तो अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट को अर्लिएस्ट लेवल पे पैट्रोनाइजेशन देने का काम सातवाना ने किया था एंड एज फार एज इट्स आर्टिस्टिक फीचर्स आर कंसर्न देन यहाँ पे हम लोगों को गांधारा एज वेल एज मथुरा दोनों स्कूल का इन्फ्लुएंस यहाँ पे हम लोगों को दिखाई देता है बट एक मेन डिफरेंशियल एस्पेक्ट यहाँ पे यही है कि इनके जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली मार्बल से बनते थे तो मार्बल बेस्ड आर्किटेक्चर जो है वो हम लोगों को इनके पास मिला है तो रॉक कट आर्किटेक्चर एंड देर आफ्टर फिर इनका जो बेसिकली स्तूपा एंड देर आफ्टर फिर नागार्जुन कोंडा एंड अमरावती वाला जो आर्किटेक्चर है दैट इज समथिंग रिलेटेड टू देम देर आफ्टर फिर ऑफिशियल लैंग्वेज इनकी अभी भी प्रकृत थी अभी तक संस्कृत सोसाइटी में नहीं आई है रुद्र दमन का जो इंस्क्रिप्शन है वो हम लोगों ने देखा था कि 150 एडी के अराउंड वो सबसे पहला मेजर संस्कृत इंस्क्रिप्शन था एंड संस्कृत अब धीरे धीरे सोसाइटी में आनी चालू हो गई है बट यहाँ पे अभी भी ये लोग प्रकृत के ऊपर ही मैक्सिमम फोकस रख रहे हैं एंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टिल वकृत एंड प्रकृत में लिखा हुआ एक बुक भी हम लोगों को मिला है दैट इज घट सप्त सती तो घट सप्त सती इज बेसिकली द डायलॉग

अनमेरिड वुमन को समझा रही है कि रात के टाइम पर घर से बाहर मत निकल एंडर आफ्टर डू नॉट हैव द कैजुअल रिलेशनशिप विध एनी बॉय तो मतलब उस टाइम पे लव मैरिज कैजुअल रिलेशन जो है वो सोसाइटी में चलते थे वैसे ही शी इज़ गिविंग हर ओन प्लाइट कि भाई जो मेरा जो पति है ही इज़ नॉट हैविंग एनी इंटरेस्ट इन मी एंड अल्टीमेटली वो जो है वो बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रख रहा है तो सोसाइटी में

आपके पास पिपिटे जाएगा अभी तक आ चुकी होगी तो यहाँ पे आपको जितने भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो केव आर्किटेक्चर या फिर बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर दिखेंगे वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे ही सिग्निफिकेंट या फिर बेस दिखेंगे जैसे नॉर्थन ट्रेड रूट है वो उज्जैन से नीचे आता है पैठन में तो दिस इज बेसिकली और पैठन एंड एंडर आफ्टर महेश्वर महेश्वर के ऊपर ही आपको उज्जैन मिलेगा उसी के बीच में आपको दिखेगा अजंता केव जो वो है वो सिचुएटेड है तो अजंता के उसका केवपोर्टेंस आप उत्तर पद से दक्षिण पद आओगे दैट इज में आना चाहोगे तो आपको रास्ते में कहीं ना कहीं पे तो एक रेसिडेंशियल फैसिलिटी लगेगी तो ये रेसिडेंशियल फैसिलिटी है ने प्रोवाइड की थी इन द नेम ऑफ द अजंता केव्स वैसे ही अगर आप इनकी दूसरे भी अगर लोकेशन देखोगे सो से फॉर एग्जांपल अगर आपने नासिक केव्स देख लिए या फिर आपने एल्लोरा केव्स भी देख लिए तो ये जो नासिक केव्स एंड एल्लोरा केव्स जो है अगर आपको पैठन से ऊपर भरूच जाना है जो इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट था तो ऑब्वियसली आपको एक तो यहाँ से एल्लोरा से या फिर नासिक से दो ही रास्ते निकलेंगे एंड एंड फिर नासिक जो है वो इम्पोर्टेंट थी फॉर द बुद्धिस्ट विहारा बुद्धिस्ट विहारा यहाँ पे आपको सिचुएटेड मिलेंगे वैसे ही अगर आपको नाने घाटा जाना है तो बेसिकली दो केव्स है हमारे पास एक तो सोपारा सोपारा पोर्ट बेसिकली तो सोपारा पोर्ट हमारे पास है एंड फिर नीचे चौल तो सोपारा एंड चौल जो है ये इम्पोर्टेंट पोर्ट थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ तो चौपा इन दोनों के बीच में अगर आपको ओवरलैंड जाना है तो आपको बीच में घाटा पड़ेगा वैसे ही अगर आपको पैठन से नीचे चौल जाना है तो बीच में आपका जुन्नर आएगा जुन्नर इज क्वाइट सिग्निफिकेंट फ्रॉम पीरियड ऑफ द टाइम अभी के लिए बिल्कुल सिग्निफिकेंट नहीं है बट एंशियंट एंड इंडिया में इट यूज टू बी द सिग्निफिकेंट ट्रेडिंग टाउन ये ट्रेडिंग टाउन इसी के लिए था बिकॉज इट यूज टू कनेक्ट अ पोर्ट सिटी विद द कैपिटल सिटी तो जुन्नर में भी हम लोगों को अच्छे खासे लेवल पे केव आर्किटेक्चर मिले हैं एंड केव आर्किटेक्चर के अलावा इट इज आल्सो कंसीडर एज अ बर्थ प्लेस ऑफ द शिवाजी महाराज तो एक बड़ा फोर्ट दैट तो इज शिवनेरी फोर्ट भी यहां पे है इट दैट इवन मीडियबल टाइम में इट इज टू बी द इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग टाउन तो आपको ये सिर्फ इसके लिए मैं आपको दिखा रहा था कि बेसिकली जितने भी आपको जो बुद्धिस्ट विज दिखेंगे वो बुद्धिस्ट विज जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग रूट्स के ऊपर सिचुएटेड है और जब हमने बुद्धिज्म एंड जैनिज्म का चैप्टर किया था एट दैट टाइम अगर आपको याद रहेगा है टोल्ड यू कि करप्ट करप्ट जो बुद्धिस्ट रिलीजन में आ रही थी एंड दिस इज द एक तरफ गौतम बुद्ध आपको बता रहे हैं कि भाई आपको जो है एक्सट्रीम ऑफ प्लेजर एंड एक्सट्रीम ऑफ ऑस्टेरिटी में नहीं जीना आपको भिक्कू एंड भिक्कू की लाइफ जीनी है मतलब आपको दान दक्षिणा मांग के जीना है बट ऑन दी अदर एंड अब ये विहाराल जो है दे वेर बिकमिंग वेल्दी ट्रेडिंग रूट पे सिचुएटेड थे दान दक्षिणा बहुत मिल रही थी और अब इन लोगों ने यही दान दक्षिणा उठा के वापस से ट्रेड में इन्वेस्ट करना चालू कर दिया तो जैसे ही इन लोगों ने ट्रेड में इन्वेस्ट करना चालू कर दिया इनको रिटर्न्स भी आए अच्छे खासे तो अगर रिटर्न आते हैं तो बुद्धिस्ट विहारा के जो मॉन्क है वो क्यों बाहर जाके दान दक्षिणा मांगेंगे नहीं मांगेंगे एंड ऑन दी अदर हैंड ब्राह्मीनिकल रिलीजन जो है वो ट्रेड से ज्यादा कोर्ट पॉलिटिक्स में ज्यादा इंटरेस्टेड था तो हमने देखा था कि ड्यूरिंग अभी अभी इस टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन कैरी आउट कर रहा है तो ब्राह्मणास लोगों को रॉयल पेट्रोनेज मिला बिकॉज ऑफ दी एडमिनिस्ट्रेशन बुद्धिस्ट लोगों को रॉयल पेट्रोनेज मिला बिकॉज ऑफ द ट्रेड बट पोस्ट गुप्ता पीरियड में इंडिया का ट्रेड पूरा का पूरा डूब चुका था तो जैसे ही ट्रेड डूब गया बुद्धिज्म का पैट्रोनेज निकल गया और ये इम्पोर्टेंट है वो भी बंद पड़ गया बट ऑन दी अदर एंड ब्राह्मण का जो इम्पोर्टेंट था बिकॉज ऑफ देयर कोर्ट प्रेजेंस वो तो कंटिन्यू रहा एंड दैट इज वाई ब्राह्मणिकल रिलीजन स्टार्टेड टू रिसीव मोर एंड मोर एंड मोर रॉयल पैट्रोनेज एज कंपेयर टू द बुद्धिस्ट और जैन रिलीजन तो ये सिर्फ आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए लाया था अब इसके ज्यादा इन डिटेल नहीं जाना है बट एक बार मैप देख लेना इंपॉर्टेंट इनके जो पोर्ट है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे दैट इज फॉर द यूपीएससी पर्सपेक्टिव एक बार उन्होंने पूछ भी लिया था कि ये चौल आफ्टर दाभोल एंड आफ्टर एक और कोई तो पोर्ट का नाम दिया था कि ये क्या है तो आपको पता होना चाहिए कि भैया सी पोर्ट है और ये सी पोर्ट भी किसके टाइम पे बिलोंग करते हैं तो सात वाहनाज के पॉइंट में या सात वाहनाज के टाइम पे ये लोग बिलोंग करते थे सो आई होप इट इज क्वाइट क्लियर ओके तो दिस इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू द सात वाहनाज

अल्टीमेटली प्री पास करना है तो आपको जीएस लगेगा मेंस पास करना है तो भी आपको जीएस में एक अच्छा खासा स्कोर लगेगा एंड दैट इज द इट इज माई हम्बल सजेशन टू यू की आपका जो फाउंडेशन कोर्स है वो आपको कभी स्किप नहीं करना चाहिए मैंने मेरे पहले के वीडियोज में भी बताया था कि डिस्पाइट स्कोरिंग थ्री हंड्रेड प्लस मार्क्स इन दी ऑप्शनल वाया है फेल बिकॉज वो फाउंडेशन हमेशा से ही वीक था तो वो फाउंडेशन जो वीक रहा तो उसकी वजह से एक नॉलेज लैक्यूना आ गया एंड नॉलेज लैक्यूना जो है वो कभी ना कभी तो आपका पकड़ा जाएगा ही जाएगा एक तो मेन्स में पकड़ा जाएगा या फिर इंटरव्यू में पकड़ा जाएगा और क्यों पकड़ा जाएगा बिकॉज यू पी एस सी जो है वो वैल्यू बेस्ड एग्जाम है जहाँ पे आपके जो वैल्यू सिस्टम्स हैं वो आपको हर जगह पे दिखाने पड़ेंगे अगर गलती से आपने आपका एक्सट्रीम ओपिनियन या फिर एक्सट्रीम एवर्जन किसी चीज़ को अगर दिखा दिया देन दैट विल बी अ गड़बड़ फॉर यू एंड दैट्स अ फाउंडेशन जो है वो इंपॉर्टेंट होता है फाउंडेशन आपको ये सारे प्रोसेस समझाएगा फाउंडेशन आपको एक बेसिक रॉक सॉलिड फाउंडेशन डेवलप करके देगा नॉलेज का जिसके ऊपर यू कैन क्लियरली क्रैक दी तो कंसिडरिंग ऑल दिस एस्पेक्ट अल्टीमेटली वी एट आयर सब वी आर बेसिकली लॉन्चिंग दिस नेक्स्ट बैच ऑफ दी एस फाउंडेशन कोर्स विच विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम दर्टी एथ नवम्बर ऑनवर्ड एंड इसमें प्री एज वेल एज मीन के जितने सब्जेक्ट है वो सारे सब्जेक्ट कवर अप होंगे एंड ऑल दिस एस्पेक्ट जो है वो आपको मिलेंगे सिर्फ एटीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड नाइनटी नाइन में इफ यू यूज माई कोर्स दैट इज एस एन लाई तो इफ़ यू वॉन्ट टू डू अ गुड जी एस फाउंडेशन कोर्स अगर आपको अच्छी फैकल्टीज चाहिए अगर आपको अच्छा कंटेंट चाहिए एंड इफ़ यू नीड अ गुड मेंटर ऑल्सो जो आपके अकेडमिक एज वेल एज नॉन अकेडमिक डाउट सॉल्व करे तो फिर आपको ये वाला जो बैच है वो जरूर ज्वाइन करना चाहिए तो थर्टीथ नवम्बर को वी आर लॉन्चिंग दिस बैच आई एल नॉट सजेस्ट कि अब दो हजार तेईस वाला बच्चा है वो ज्वाइन कर ले अब काफ़ी लेट हो चुका है बट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी फोर जस्ट कंसिडर इट वंस बिकॉज अगर आप मार्केट में जाओगे ऑफलाइन में फाउंडेशन का जो वैल्यू है दैट इज डेढ़ लाख से लेकर दो लाख तक का है वी आर बेसिकली प्रोवाइडिंग इट एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट तो दैट विल बी इट फ्रॉम माई साइड गई डाउट रहेंगे दैट यू कैन आस्क मी एंड अगेन जाते जाते यू कैन गेट द पीपीटी दिस पीपीटी अपार्ट फ्रॉम दैट जो क्रक्स मटेरियल मैं प्रोवाइड करता हूँ तो वो क्रक्स मटीरियल दोनों एट दिस टेलीग्राम चैनल ऑफ माइंड अभी तो अभी अगर आपका कोई डाउट रहेगा गाइज ओके देन दैट यू कैन लेट मी नो ओके या एक एक करके जाएंगे ऊपर से लेके नीचे तक ठीक है ठीक हाँ. है यार yeah, साइंस के लिए कौन सा बुक पढ़ोगे कुछ मत पढ़ो साइंस के लिए राइट right? सिंपल है करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं बेसिक साइंस आई कैन अंडरस्टैंड एक दो क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में बट अगर पढ़ना है तो एक बार वो सिक्स टू टेंथ स्टैंडर्ड का जनरल साइंस का एन कर सकते हो बट मेरे ख्याल से तो वेस्ट ऑफ टाइम ही रहेगा अल्टीमेटली करंट बेस्ड क्वेश्चन ही साइंस एंड टेक से ज्यादा आते हैं तो जो ईयरली मैगजीन्स निकलती है राइट right? कि मतलब जो एक साल का सारा का सारा करंट कवर करवा देगी साइंस एंड टेक का वो वाला कर लेना कोई तो देट विल बी मोर बेटर ठीक है हाँ ठीक है देर आफ्टर ठीक है hmm. सर तो हिस्टोरियंस में अभी भी डिबेट छिड़ी हुई है की आंध्राज एग्जैक्टली है, तो है द सातवाहाना बट अगर आप ये डायरेक्टली पूछोगे कि सातवाहाना मोरियंस के कंटेम्प्री थे या नहीं थे देन क्वेश्चन हाँ भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है इसके ऊपर बहुत सारी अलग अलग थियरीज है तो अब जब ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल थियरीज जब होती है तब यूपीएससी इसके ऊपर आपको सवाल पूछेगा क्या नहीं पूछेगा उनको भी कोई तो कॉन्क्रीट डाटा देना पड़ेगा ना आपको और जब हिस्टोरियंस आर नॉट एग्रींग टू अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट देन फिर यूपीएससी कहाँ से लाएगी राइट right? तो ऐसा कोई सवाल भी नहीं आएगा डोंट वरी ठीक है खारोस्टी प्रकृत अरेमिकन ब्राह्मी हर्ष पहले वाले लेक्चर्स में कवर अप हो चुका है उसमें जाके देखोगे आई एल नॉट एक्सप्लेन एनीथिंग हैज ऑलरेडी बिन टेकन केयर बाय मी इन द प्रीवियस लेक्चर आई एम सॉरी अबाउट दैट हाँ <coughs> शुभंकर यार मैं हिंदी में आपको बता नहीं पाऊंगा अकल्चर का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है बट अकल्चर मतलब एक प्रोसेस होती है जहां पे आपको अनकल्चर लोगों को कल्चर बनाना है ओके तो वो प्रोसेस को आप अकल्चर बोल सकते हो ठीक है यार मैं हिंदी में आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट दैट ठीक है मैंने आपको ये चीज पहले ही बताई थी मेरी खुद की हिंदी इतनी अच्छी नहीं है कि मैं इंग्लिश लैंग्वेज को हिंदी में कन्वर्ट कर पाऊँ तो थोड़ा सा मेहनत ले लेना है यार अपने लेवल पे राइट गूगल इट आउट आपको एक मिनट में गूगल में कोई कोई भी वर्ड जो है वो पता चल जाएगा मनुस्मृति पोस्ट मौर्यन पीरियड में लिखा गया है तो आप कोई एक डायनेस्टी में इसको नहीं डाल पाओगे क्यों नहीं डाल पाओगे बिकॉज इन लोगों ने थोड़ी ना अपने बुक में डेट मैंशन में करके रखी थी कि भाई मैं अभी वो बुक लिख रहा हूँ राइट right? तो ये गुप्ता के पहले मौर्य के बाद में लिखा हुआ बुक है तो इसको हम लोग पोस्ट मौर्यन बुक मानते हैं दैट इज पोस्ट मौर्यन पीरियड में लिखा हुआ बुक मानते हैं ओके यस ओके देर आफ्टर तालार पट्टकोला सहा सधीपति बालाधीप ये आपने पहले ऑफिसर्स कहाँ पे पढ़े पहले मैं देखो वो बताओगे ठीक है इन एनी केस ये वे ये जो ऑफिसर जो वो माइनर ऑफिसर्स थे वो डेक्कन से लेके साउथ इंडिया में हम लोगों को इनके रेफरेंसेस मिले हैं तो अलग अलग डायनेस्टी में मिले हैं एक ही डायनेस्टी में नहीं ठीक है या देखो उसमें नहीं जाना है राइट राइट सिंपल है मैंने आपको पहले ही बताया था जो चीज़ मैं आपको नहीं दे रहा हूँ उसके ऊपर हिस्टोरियंस में डिबेट है कोई कॉन्क्रीट डाटा नहीं है तो उसके ऊपर हम लोग नहीं पढ़ते हम लोगों को नहीं पता कि इनका लास्ट किंग कौन था इनका एंड कैसे हुआ हम लोगों को उसके बारे में भी कोई आइडिया नहीं है ओके okay? यस yes. ठीक है आई होप इट इज क्वाइट क्लियर आई होप इट इज़ क्लियर एनी अदर डाउट गाइज अगर और कोई डाउट रहेगा देन लेट मी नो अदरवाइज आई विल स्टॉपिंग द लेक्चर विल मीट अगेन टमोरो सेवन ओ क्लॉक ओके या ओके

ठीक है यार मैं पहले वाले लेक्चर देखा करो मैंने कितनी बार बताया कि अगर मेरा कोई डाउट आपसे रह गया होगा तो उसको रीटाइप किया करो ना यार बार बार क्यों रिपीट करवा दो मेरे से सेम चीज ठीक है यस रीटाइप इट आई एम गिविंग यू अ मिनट फॉर दैट पर्पज ओनली राइट टू ट्राई टू अंडरस्टैंड कुछ मेहनत लो खुद के एंड पे भी थोड़ी बहुत राइट राइट अगर कुछ छूट गया तो उसको रीटाइप करो जल्दी आई एम गिविंग यू अ मिनट या ठीक है चलो गाइज आई विल बी स्टॉपिंग नाउ ठीक है तो विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर दैट इज बेसिकली टुमारो सेवन ओ क्लॉक ओके सिंस नो लॉन्गर नो मोर डाउट्स आर देयर सो थैंक यू सो मच गाइज थैंक यू सो मच विल मीट अगेन ओके टुमारो ओके गाइज थैंक